तुम जितना कच्चा पदार्थ का यूज करो भोजन में मैक्सिमम, और पूरा हुआ जैसे हम बता दें 5 बना लो भोजन में, मान लो कि 2 रोटी लो, सब्जी लो और मूंग चना गेहूं मूंगफली सोयाबीन 5 हो गया ना। ये पंचांग को अमृत कहा गया है, पांचों को एक जगह मिला करके अंकुरित कर लो और उसको भोजन में ग्रहण करो खूब चबा चबा कर। एक होगा अगर कच्चा अन्न खाएगा तो खूब चबाना पड़ेगा ना, रोटी तो निकल जाएगा, निकल भी जाता है, चावल तो और जल्दी निकल जाता है। जितना तुम चबाएगा आपके मुंह में जो सलाइवा आएगा, टैट्रिक नाम का इंजाइम और एसिड निकलता है, वह आपके पाचन तत्व को मजबूत करता है और इसमें बहुत जो है शक्ति होती है आपके जीवन रक्षा का। और एक जितने वेराइटीज का भोजन जो करता है, एक दूसरी बात और समझ लो, हम वेराइटी जब भोजन आजकल जैसे भोजन मिलता है 10-20-50 तरह का, तो आप एक तरह का भोजन लेता है तो हमारा शरीर उसको पचाने के लिए क्षार उत्पन्न करता है, यदि दूसरे तरह का भोजन लिया तो अम्ल उत्पन्न करता है। तुम खट्टा मीठा तीता 10 भोजन करने लगा है ना जी, महात्मा करता है ना, अब क्षार और अम्ल दोनों पैदा कर देगा शरीर, कन्फ्यूज हो जाएगा पाचन तत्व, विल बी कन्फ्यूज। जैसे ही वो पाचन तंत्र कन्फ्यूज होगा, अम्ल क्षार दोनों पैदा कर देगा, तुम्हारा कोई पचेगा नहीं, डाइजेशन नहीं होगा, शरीर तुम्हारा रोगी हो जाएगा, पाचन तंत्र कन्फ्यूज हो जाता है। इसीलिए देखता है कि साधु महात्मा अक्सर बहुत तरह का भोजन मिलता है तो क्या करते हैं, सबको एक में मिला देते हैं, मानेगा नहीं सब करेगा तो देखते हैं क्या कर, सबको एक में मिला देते हैं, सबको एक में मिला दिया, खट्टा मीठा तीता तुम्हारा इज्जत भी रह गया और सबका एक ही मिल गया, एक ही तरह का ना होगा डाइजेशन, चाहे अम्ल पैदा हो गया क्षार पैदा होगा, वह जो है कन्फ्यूज उस तरह का पचेगा डाइजेशन। तो ज्यादा तो जर्मिनेटेड नट अन बीज भोजन करो। जैसे देखते हो पशु लोग, पशु कहाँ रोज बीमार पड़ता है, हार्ट अटैक होता है, सुना है किसी बैल का गाय का हार्ट अटैक हुआ, मुर्गा का मुर्गी का सुनता है, तुम्हारे खाली हार्ट अटैक होता है। आपने जितना वेराइटी जब मील बनाने कर किया है, खाना जो खाता है, समझ लो ये दुख का रोग है और यह जो है हमारे सब पाचन तंत्र को भ्रष्ट करना, दूसरा हमारे सारे जो है शक्ति को सामर्थ्य को वह बर्बाद करने का रसोई घरम सिस्टम है। यदि हो सके उस पानी को फेंको मत, उस पानी को छान कर रख लो और उस पानी को एक बार दो बार पी जाओ, सुबह सुबह यदि उस पानी को पी जाएगा देखेगा तुम्हारा 10 बजे तक कोई ज़रूरत नहीं है, 5 बजे वो पानी को पी लो, 10 बजे तक कुछ मत लो, तुम्हारा शक्ति बनी रहेगी, उस पानी छोड़ दिया। अच्छा बिना उसको धोए, चूँकि उस बीजों में उनमें कुछ केमिकल्स रहता है जो आपके शरीर के लिए हानिकारक है, डायरेक्ट खा जाएगा, तब फुलाने में जर्मिनेट करने में वो सब केमिकल आपके लिए धूप ही जाते हैं। तो इस तरह से आप देखो भोजन में जैसा खावे अन वैसा मन, तो यह जो भोजन बदल दो और सच पूछो डेयरी प्रोडक्ट और बेकरी प्रोडक्ट बोथ आर हार्मफुल आर योर लाइफ, कोई शायद शरीर के लिए फायदे नहीं है। मैं तो इस पर प्रयोग कर रहा हूँ 4 महीने से, तो इसलिए मैं कोई चीज़ प्रयोग कर लेता हूँ, तंत्र मंत्र योग जाप तब बताता हूँ और इस पर कर रहा हूँ तब बता रहा हूँ। इसलिए आप लोग ज़्यादा भोजन का खर्च भी कम हो जाएगा, LPG गैस का भी कम हो जाएगा और आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, रोग भी ठीक हो जाएगा, घर का टेंशन भी दूर हो जाएगा। हम लोग इतना तनावपूर्ण भोजन भी कर रहे हैं कि अभी एक कारण है तनाव का, पति पत्नी में जुड़ो कराटे का। तब यदि आप पकाया हुआ भोजन करता है तो यह बात समझ लो, मन में लिख लो, आज 12 घंटा से 18 घंटा उसको पचाने में लगता है। सब्जी भी यदि ज़्यादा सब्जी खा रहा है कम पकाया हुआ, तो उस सब्जी में भी 8 घंटा से 10 घंटा लगता है पचाने में, फल को 3 घंटा लगता है, मांस को 18 घंटा लगता है। इसलिए आज के नेचुरोपैथी लोग बता रहे हैं कि शाम का भोजन 6 बजे तक ले लो, सुबह 10 बजे तक कुछ मत लो, नॉट इवन ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर सुबह तक मत लो। सुबह लेना है तो 4-5 बजे बस पानी ले लो, वह जो बताए वो पानी। यह देखो पति पत्नी लड़का लड़की सब यह भोजन करो, आपका घर का झगड़ा दूर हो जाएगा, खर्चा
घट जाएगा, थोड़ा वो घट जाए खर्चा, आमदनी बढ़ जाए तो थोड़ा गुरु जी के यहाँ दे जाना। ये तो नहीं करेगा और तुम्हारा पति पत्नी का जुड़ू कराटा रुक जाएगा, झगड़ा रुक जाएगा, घर का रोग जो है 50% रुक जाएगा, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा और तनाव भी दूर हो जाएगा। धन्यवाद।